मत्स्य अवतार। आज हम जानते हैं विष्णु जी के प्रथम अवतार मत्स्य के बारे में। युगों पहले हयग्रीव नामक एक राक्षस ने चारों वेदों का अपहरण करके उन्हें कैद कर लिया था। तब पृथ्वी पर से ज्ञान लुप्त होने लगा और असुरी शक्तियां बढ़ने लगी। तब महादेव ने पृथ्वी को जलमग्न करने का निर्णय लिया। नई पृथ्वी की स्थापना हेतु एक मनुष्य का होना आवश्यक था, इसलिए भगवान विष्णु जी ने मत्स्य का अवतार लिया। एक समय की बात है, मनु नामक एक ऋषि एक बार नदी के किनारे गए, तब उन्हें एक छोटी सी मछली मिली। हे मुनिवर, दया कीजिए, इस बड़े से जलाशय में कद छोटा होने के कारण बड़े जीवों से मुझे भय लगता है, मुझे शरण दीजिए प्रभु। अवश्य। ऋषि मनु ने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया और अपनी कुटिया की ओर ले गए। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि मछली बड़ी हो चुकी है। हे ऋषिवर, आपका कमंडल अब मुझे छोटा पड़ रहा है, आप मुझे सागर में ले जाइए। मनु ऋषि उसे एक सागर में ले गए। जब वो मछली सागर में गई तो अत्यंत ही विशाल रूप उसने धारण कर लिया। आप कोई साधारण मत्स्य नहीं लगती मुझे, आप कौन हो? मनु, थोड़े समय पश्चात यहाँ एक बड़ा सा जल प्रवाह आएगा और समस्त पृथ्वी उसमें डूब जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पत्नी, इस धरती के सारे पशु पक्षी के जोड़े को और सारे पेड़ पौधे के बीज को लेकर एक नाव में बैठ जाओ। मैं अपने मत्स्य परिवार में तुम्हें सुमेरु पर्वत की ओर ले जाऊंगा, वहां से एक नई सृष्टि प्रारंभ होगी। जैसी आपकी आज्ञा नारायण। विष्णु जी की आज्ञा के अनुसार ही मनु ने कार्य किया और मत्स्य अवतार में विष्णु जी उन्हें सुमेरु पर्वत की ओर ले गए। तत्पश्चात विष्णु जी मत्स्य अवतार में ही हयग्रीव के पास गए और उसका वध कर दिया और चारों वेद कैद से मुक्त हो गए। समुद्र मंथन। आइए आज हम जानते हैं कि विष्णु जी ने कच्छप अवतार क्यों लिया। ये श्री हरि का दूसरा अवतार था। एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक माला भेंट की। इंद्र ने वो माला एरावत को पहना दी। एरावत ने वो माला अपने पैरों तले कुचल दी। इस बात का पता चलने पर ऋषि दुर्वासा ने सारे देवताओं को श्राप दिया कि वो शक्तिहीन हो जाएंगे। उसी समय दानवों ने देवताओं पर हमला कर दिया। शक्ति ना होने के कारण देवता दानवों का सामना ना कर पाए। व्यथित होकर इंद्र विष्णु जी के पास चले गए। हे पद्मनाभ, आप हमारी व्यथा तो जानते ही हैं, कृपया इसका उपाय बताइए। देवराज, असुरों का सामना करने के लिए आपको अमृत की आवश्यकता होगी और अमृत केवल समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता है। प्रभु, इतने विशाल समुद्र का मंथन कैसे संभव है? व्यथित ना हो देवराज, आप मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन कीजिए। मंथन करने के लिए आपको असुरों की सहायता लेनी ही पड़ेगी। इसके लिए आप असुर राज बाली के पास जाकर ये प्रस्ताव रखिए और अमृत का देव और दानव के बीच समान बंटवारा होगा। इस बात को भी आप निश्चिंत कीजिए और अगर वो ना माने तो मेरा आदेश है ये कहना। जो आज्ञा प्रभु। विष्णु जी के कहने पर इंद्रराज बाली के पास गए और ये प्रस्ताव रखा। समान बंटवारा, मुझे आप देवताओं पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है। किंतु ये नारायण का आदेश है। विष्णु जी का आदेश है ये सुनकर वो समुद्र मंथन के लिए मान गए। समुद्र मंथन शुरू तो हो गया लेकिन मंदार पर्वत डूबने लगा, इसलिए भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और मंदार पर्वत उनकी पीठ पे उठा लिया। समुद्र मंथन के समय हलाहल विष उत्पन्न हुआ। भगवान शिव ने विष को ग्रहण करके अपने कंठ में बरकरार रखा, इस वजह से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। मंथन के परिणाम रूप पहले रत्न, कामधेनु इत्यादि प्रकट हुआ और अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। तो ये थी विष्णु जी के कच्छप अवतार की कहानी। विष्णु जी का वराह अवतार। आज हम जानते हैं कि विष्णु जी वराह रूप में अवतरित क्यों हुए थे। ये विष्णु जी का तीसरा अवतार था। पुरातन समय में
हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नामक दो दैत्य हुआ करते थे। वो बहुत ही ज्यादा बलशाली और मायावी थे। उन्होंने तीनों लोकों में उधम मचा दिया था। हिरण्याक्ष ने बल से स्वर्ग पे कब्जा तो कर लिया था, फिर उस धूर्त ने पृथ्वी का भी अपहरण कर लिया था और पाताल लोक में ले गया। पृथ्वी ने व्यथित होकर विष्णु जी का आह्वान किया, हे पद्मनाथ, मुझ पे कृपा कीजिए, मुझे इस दैत्य से मुक्ति दिलाइए, अन्यथा मुझ पे बसने वाले जीवों का क्या होगा। देवी, आप चिंतित ना हो, मैं आपकी रक्षा अवश्य करूंगा और मुझे इसके लिए वराह अवतार लेना पड़ेगा। ये कहकर विष्णु जी ने वराह का अवतार लिया और पृथ्वी को अपने विशाल दांत पे उठाकर ऊपर ले आए और ब्रह्मांड में उचित स्थान पे रख दिया। एक वराह को ऐसा करता देख हिरण्याक्ष गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, ये तुच्छ जानवर की इतनी हिम्मत, उसको पता भी है, उसने खुद अपनी मौत को ललकारा है। ये बोलकर उसने अपने शस्त्र लिए और वो भगवान वराह को मारने निकल पड़ा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को अपने विशाल दांत पे उठा लिया और उसे हवा में घुमाकर दूर फेंक दिया। तो इस तरह हिरण्याक्ष का वध हुआ और उसे अपने दैत्य अवतार से मुक्ति मिली। नरसिंह अवतार। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार क्यों लेना पड़ा। ये भगवान विष्णु का चौथा अवतार था। जैसे वराह अवतार में हमने देखा कि विष्णु जी ने हिरण्याक्ष का वध किया था, उनसे बदला लेने के लिए उसके भाई हिरण्यकश्यपु ने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे ऐसा वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु न आकाश में हो, ना ही धरती पे, ना मनुष्य के हाथों हो, ना ही प्राणी के, ना घर के बाहर, ना घर के अंदर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, और ना ही दिन में, ना रात में। वरदान पाकर हिरण्यकश्यपु बहुत ही खुश हुआ। उसे लगा कि वो अमर हो गया। वो खुद को भगवान समझने लगा। वो मनुष्यों और अन्य जीवों पर अत्याचार करने लगा। उसका एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो दिन रात नारायण के नाम का जप करता था। हिरण्यकश्यपु ने उसे बहुत बार समझाया पर प्रहलाद नहीं माना। प्रहलाद, मैं अंतिम बार कह रहा हूं तुमसे, उस विष्णु का नाम लेना छोड़ दे, अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। मार दीजिए पिताजी, फिर जाऊंगा तो मैं अपने प्रभु के पास ही ना। ओम नमो नारायणाय। हिरण्यकश्यपु ये सुनकर अत्यंत ही क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश की, जैसे उसे ऊंचाई से खाई में फेंक दिया, जंगल में अकेला छोड़ दिया और यहाँ तक कि उसे अपनी बहन होलिका की गोद में बैठाकर जीवित जलाने की भी कोशिश की, पर हर बार विष्णु जी ने उसे बचा लिया। होलिका की मृत्यु से वो बहुत दुखी हो गया और नारायण से बदला लेने की उसने ठान ली। बोल, कहाँ है तेरा विष्णु? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पहले उसने मेरे भाई को मारा और फिर मेरी बहन को भी। मेरे प्रभु तो कण कण में है, हर जगह है, हर कहीं, हर वस्तु में है, वो तो हर जीव में है। तो तेरा विष्णु इस स्तंभ में भी है क्या? निसंदेह। हिरण्यकश्यपु ने अपनी माया से उस लोह स्तंभ को गर्म कर दिया। तो जा और अपने विष्णु के गले लग जा। जो आज्ञा। प्रहलाद वो स्तंभ के गले लग गया, किंतु उसे जरा भी आंच नहीं आई। ये देखकर हिरण्यकश्यपु और क्रोधित हो गया और प्रहलाद को स्तंभ से बांधकर उसे तलवार से मार नहीं जा रहा था कि वहां विष्णु जी नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यपु का गला पकड़ा, उसे उठाकर महल की चौखट पे ले गए और अपनी गोद में सुलाया और दहाड़ कर बोले, देख दुष्ट, ना तू घर के अंदर है और ना बाहर, ना आकाश में, ना भूमि पर, ना अभी दिन है ना रात, ये संध्या है। ना मेरे पास कोई अस्त्र है, ना ही कोई शस्त्र, ना ही मैं मनुष्य हूँ, ना प्राणी, मैं नरसिंह हूँ। ऐसा बोलकर भगवान नरसिंह ने अपने तीखे नाखून से हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया।
वामन अवतार। आज हम जानेंगे कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार क्यों लिया। ये विष्णु जी का पांचवा अवतार था। असुर राज बाली अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने अपने तपोबल से तीनों लोगों का राज प्राप्त किया था। वो असुर जरूर थे पर दयालु और दानी थे। वो बहुत बड़े विष्णु भक्त भी थे, इसलिए राजा बाली के पास से स्वर्ग पुनः प्राप्त करने के लिए इंद्र विष्णु जी के पास जाते हैं। प्रभु दया कीजिए, राजा बाली ने मेरा इंद्रासन भी छीन लिया, आप कुछ कीजिए, अन्यथा देवताओं का क्या होगा और उनको कुछ हो गया तो पृथ्वी का क्या होगा। विष्णु जी कटाक्ष में मुस्कुराते हैं। देवराज, राजा बाली ने इंद्रासन नहीं छीना है अपितु अपने तपोबल से प्राप्त किया है, आपकी तरह नहीं। आपने तो छल करके उनकी जान तक ले ली थी, किंतु उचित है अगर बात पृथ्वीवासियों पे आए तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब समय आ गया है वामन अवतार लेने का, इसी बहाने भक्त की कसौटी भी हो जाएगी। विष्णु जी ने ऋषि कश्यप और अदिति के घर पर एक बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। एक दिन वो भिक्षा हेतु राजा बाली के पास गए। बाली के महल में आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े दानवीर हैं, मुझे भी आपसे कुछ मांगना है। क्या चाहिए आपको? वचन दीजिए आप मना नहीं करेंगे। मैं वचन देता हूँ, मुझे 3 पग भूमि का दान चाहिए। सिर्फ 3 पग भूमि? उचित है। जैसे ही राजा बाली देने का संकल्प करते हैं, वैसे ही वामन देव ब्राह्मण स्वरूप में विशाल रूप धारण कर लेते हैं और अपने दोनों पैरों से ही पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं। ये तो 2 पैर ही जितनी भूमि हुई, अब तीसरे भाग का क्या, मैं अब क्या करूं? आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए वामन देव। जैसे ही वामन देव राजा बाली के सिर पर पैर रखते हैं, राजा बाली पताल लोक में पहुंच जाते हैं। इसके बाद विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में आते हैं। पुत्र, मैं तुम्हारी दानवीरता से अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरी ये इच्छा है कि तुम स्वर्ग लोक और धरती लोक का सिंहासन त्याग कर केवल पाताल लोक में ही राज करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तो इस तरह विष्णु जी ने वामन अवतार लेकर देवराज इंद्र को अपना इंद्रासन वापस दिलाया। दोस्तों, आज हम जानते हैं भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम जी के बारे में। उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और रेणुका देवी के यहां पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान से हुआ था। वो नारायण के अवशेष अवतार थे। वैसे तो उनसे जुड़ी कई कहानियां हैं, पर आज हम जानते हैं कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का वध क्यों किया था। है वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन को दत्तात्रेय के वरदान से सहस्त्र भुजाएं प्राप्त हुई थी, इसलिए वो सहस्त्र अर्जुन के नाम से भी जाने जाते हैं। राजा सहस्त्र अर्जुन शिकार का बहुत शौक रखते थे। एक दिन वो शिकार खेलते खेलते जमदग्नि के आश्रम तक पहुंच गए। प्रणाम मुनिवर, मेरा नाम सहस्त्र अर्जुन है, मैं शिकार करते करते भटक गया हूँ और यहाँ तक पहुँच गया हूँ, क्या मैं आपके आश्रम में थोड़े समय विराम कर सकता हूँ? आपका स्वागत है राजन। ऋषि जमदग्नि ने राजा का स्नेहपूर्ण आदर सत्कार किया। उनके पास कामधेनु गाय थी। उसी गाय के गोरस के भंडार से ऋषि सबकी आवभगत करते थे। जब राजा सहस्त्र अर्जुन ने वो गाय देखी तो उनके मन में लोभ ने जन्म लिया और एक दिन वो गाय को छल से चुरा ले गए। परशुराम जी को ये बात पता चल गई। उस धूर्त राजा ने मेरे पिता के सत्कार का ये बदला दिया, मैं राजा से कामधेनु को लेकर ही वापस लौटूंगा। परशुराम राजा सहस्त्र अर्जुन के पास गए। राजन, मुझे कामधेनु वापस कीजिए, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसके लिए आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा मुनिवर। उचित है। राजा सहस्त्र अर्जुन और परशुराम जी का घमासान युद्ध हुआ। परशुराम जी ने सहस्त्र अर्जुन की सारी भुजाएं काट दी और उनका वध कर दिया। उस वध का बदला लेने के लिए सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने परशुराम जी की अनुपस्थिति में ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस बात का आघात लगने पर रेणुका देवी सती हो गई। ये सारी घटना का पता
जब परशुराम जी को लगा तब वो अत्यंत ही क्रोधित हो गए। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं है वंश का विनाश कर दूंगा। परशुराम जी ने सर्वप्रथम महिष्मती नगरी पर अधिकार प्राप्त कर सहस्त्र अर्जुन के सारे पुत्रों का वध कर दिया। एक के बाद एक पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का वध किया। जब ऋषि ऋचीक ने उन्हें यह पाप करने से रोका तब वो शांत हुए और अश्वमेध यज्ञ कर सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर और अपने शस्त्र इंद्रदेव को देकर महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे। रामायण। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के सातवें अवतार श्री राम के बारे में। त्रेता युग में एक बहुत ही प्रतापी और प्रजावत्सल सूर्यवंशी राजा दशरथ हुआ करते थे। उन्होंने राजगुरु ऋषि वशिष्ठ के सुझाव से ऋषि श्रृंगी के मार्गदर्शन से अपनी तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ किया। उसके परिणाम स्वरूप उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। रानी कौशल्या को राम, रानी कैकेयी को भरत और रानी सुमित्रा को लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। चारों राजकुमार शस्त्र और शासन दोनों विद्या में निपुण थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र आए, जो यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों से अत्यंत ही पीड़ित थे। वो उन राक्षसों का वध करने के लिए श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। दोनों भाइयों ने ताड़का और सुबाहु आदि राक्षसों का वध किया। फिर वे मिथिला नगरी पहुंचे। वहां जनक पुत्री सीता के स्वयंवर में भाग लिया। स्वयंवर की शर्त अनुसार श्री राम ने शिव धनुष को उठाकर और उस पे प्रत्यंचा चढ़ाकर स्वयंवर जीत लिया और देवी सीता से विवाह किया। उसी दौरान लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुति कीर्ति का भी विवाह हुआ। उसके बाद अयोध्या में श्री राम के राज तिलक की तैयारियां होने लगी। लेकिन रानी कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा की बात में आकर राजा दशरथ को उनके दिए गए वरदानों का स्मरण करवाया। महाराज, मुझे प्रथम वरदान में राम का 14 साल का वनवास और दूसरे वरदान में भरत का राज तिलक चाहिए। मैं अपने राम के बिना नहीं रह सकता, कोई दूसरा वरदान मांग लो प्रिय। किंतु रानी कैकेयी नहीं मानी। उसकी हट के आगे राजा दशरथ कुछ भी ना कर पाए और श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी ने वनवास ले लिया। ये चीज राजा दशरथ बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। भरत ने राजगद्दी पर श्री राम की पादुका रखकर अयोध्या की राज व्यवस्था संभाली। वहां श्री राम, सीता और लक्ष्मण तीनों दंडकारण्य वन में पहुंचे। वहां शूर्पणखा नामक एक राक्षसी श्री राम को देखकर मोहित हो गई। वो एक सुंदर मनमोहक रूप धारण करके श्री राम के पास गई। क्या आप मुझसे विवाह करोगे? मैं तो विवाहित हूँ, आप मेरे अनुज लक्ष्मण को पूछिए। क्या आप मुझसे विवाह करोगे? मैं भी विवाहित हूँ देवी। दोनों भाइयों के मना करने पर शूर्पणखा क्रोधित हो उठी और वो अपने वास्तविक रूप में आकर देवी सीता पर हमला करती है। तभी लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। वो राक्षसी कटी नाक लेकर अपने भाई लंकापति रावण के पास गई और सारी कहानी उसे बताई। रावण ने क्रोध में आकर पहले अपने भाई खर और दूषण को दम भेजा, किंतु राम और लक्ष्मण ने उन दोनों का वध कर दिया। फिर एक दिन सीता जी के कहने पर श्री राम एक सुंदर मृग को पकड़ने वन में गए, किंतु वो एक मायावी राक्षस मरीच था, जिसके जाल में फंसकर लक्ष्मण भी वन में गए। किंतु वो लक्ष्मण रेखा बनाकर गए थे और सीता जी को बोला था कि वो उसके बाहर ना जाए। इसी पल का लाभ लेकर दुष्ट रावण ऋषि के रूप में भिक्षा मांगने गया। भिक्षाम देही। देवी सीता ने कुटिया में रहकर उस ढोंगी को भिक्षा देनी चाहे, किंतु उस ढोंगी ने देवी सीता को लक्ष्मण रेखा के बाहर आने के लिए विवश कर दिया। और जैसे ही वो बाहर आई, दुष्ट रावण अपने वास्तविक रूप में आकर सीता जी का हरण कर उन्हें लंका ले गया। यहां सीता जी को कुटिया में ना पाकर राम, लक्ष्मण दोनों बहुत ही चिंतित हो गए और उन्हें ढूंढने निकल पड़े। जटायु की सहायता से
उन्हें सारी घटना का पता चला। माता सीता को ढूंढते ढूंढते वो दोनों ऋषयमूक पर्वत पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हनुमान जामवंत सुग्रीवादी से हुई। श्री राम सुग्रीव को अपने भाई बाली की गुलामी से मुक्त कर वानर सेना और लक्ष्मण के साथ पुनः माता सीता को ढूंढने निकल पड़े। वीर हनुमान जी की सहायता से पता लग गया कि रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा है। अशोक वाटिका में एक वानर आया। ये देख सैनिक हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के समक्ष ले गए। रावण ने उनकी पूंछ चलाने का आदेश दिया। जली हुई पूंछ से हनुमान जी ने पूरी लंका चला दी। फिर वे श्री राम के पास पहुंचे और सारी बात बताई। श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। लंका तक पहुंचने के लिए वानर सेना की सहायता से सेतु का निर्माण हुआ। रावण के भाई विभीषण भी श्री राम के साथ जुड़ गए। श्री राम अपनी सेना लेकर लंका पहुंचे और युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में रावण के तीन पुत्रों अतिकाय, प्रहस्त और मेघनाद का वध लक्ष्मण के हाथों, दो पुत्रों नरांतक और अक्षय कुमार का वध हनुमान जी के हाथों और एक पुत्र त्रिशरा और भाई कुंभकर्ण का वध श्री राम के हाथों हुआ। अंत में श्री राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ। श्री राम ने एक के बाद एक रावण के सिर काटे और अंत में विभीषण के कहने पर रावण की नाभि में अपने तीखे बाण का प्रहार किया। रावण ने अंत में श्री राम बोलकर प्राण त्याग दिए। विभीषण का राज्य अभिषेक हुआ। इसके बाद माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई और राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी आदि ये सब पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या पहुंचे। उस दिन से हर साल हम इस दिन दिवाली मनाते हैं। श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन प्रजा के रूढ़िवादी विचारों के कारण माता सीता वन में चली गई। इसके बाद वो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में जाकर रहने लगी। कुछ समय के बाद उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ से दोनों बालकों की भेंट अपने पिताजी से हुई। फिर माता सीता जी को पुनः अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा गया। ये बात से माता सीता बहुत ज्यादा आहत हो गई और धरती में समा गई। इस बात से व्यथित होकर श्री राम ने अपना राजपाट अपने और अपने अनुज के पुत्रों को सौंपकर सरयू नदी में अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं भगवान विष्णु के सबसे अनोखे, नटखट, मनमोहक आठवें अवतार श्री कृष्ण के बारे में। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के बारे में। मथुरा नरेश कंस बहुत ही बलशाली और एक क्रूर राजा था। वो निर्दोष मनुष्यों पे जुल्म ढाता था। सारे मथुरा वासी अपने राजा से अत्यंत ही दुखी थे। उसने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव के साथ किया था। विवाह के बाद एक आकाशवाणी हुई, क्रूर कंस, तेरा वध देवकी का आठवां पुत्र करेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस अत्यंत ही क्रोधित हो उठा। वो तलवार लिए वासुदेव की ओर पढ़ा, लेकिन देवकी ने उसे कहा, भैया इनको बख्श दीजिए, मैं वचन देती हूँ, मैं मेरी प्रत्येक संतान को आपके हवाले कर दूंगी। कंस देवकी की ये बात मान गया और देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। कुछ वर्ष पश्चात देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। देवकी ने वचन अनुसार दिल पर पत्थर रखकर अपनी संतान को कंस के हवाले किया और कंस ने वही उस मासूम का वध कर दिया। इसी तरह उसने देवकी के सात पुत्रों का वध कर दिया। आठवें पुत्र के जन्म के पहले उस दुष्ट कंस ने पहरा दुगना कर दिया। श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात 12 बजे हुआ था, इसलिए हम इस दिन जन्माष्टमी मनाते हैं। आठवें पुत्र का जन्म होते ही एक मायावी दैविक शक्ति वहां प्रकट हुई और बोली, वासुदेव तुम अपने पुत्र को लेकर गोकुल के मुखिया नंद के घर जाओ। उनकी पत्नी यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है जो केवल एक माया है,
तुम वहां जाकर शिशुओं की अदला बदली कर दो। मैंने नंद को भी समझा दिया है कि ये बालक स्वयं नारायण का अवतार है। तुम बिना डरे गोकुल की ओर प्रस्थान करो। उनके ओझल होते ही सभी द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और कारागार के दरवाजे भी अपने आप खुल गए। वासुदेव श्री कृष्ण को एक टोकरी में लेकर गोकुल की ओर चल पड़े। यमुना नदी ने एक बार अपने पानी के उछाल से श्री हरि के पांव छुए और फिर अपना पानी कम करके वासुदेव को रास्ता दिया। भारी वर्षा से कान्हा को बचाने के लिए शेषनाग रक्षा हेतु आए। इस तरह वे गोकुल तक आ गए और बालकों की अदला बदली कर पुत्री को मथुरा ले आए। कारागार में आते ही सारे दरवाजे बंद हो गए और द्वारपाल भी जग गए। कंस भी वहां आ पहुंचा और उस बच्ची को हाथ में लेकर उसका वध करने ही वाला था कि वो वहां से ओझल हो गई। कंस बहुत डर गया था क्योंकि उसका काल अब जन्म ले चुका था और वो ये दैवीय चाल समझ गया था। इस बात को कई वर्ष बीत गए। कंस को एक दिन पता चला कि उसका काल गोकुल में है। उसने राक्षसी पूतना को गोकुल भेजा। पूतना वेश बदल कर एक अप्सरा बन के नन्हे कृष्ण को अपना विषैला दूध पिलाने गए, किंतु नन्हे कृष्ण ने उसके प्राण हर लिए। कंस ऐसे ही अपनी ओर से राक्षसों को भेजता रहा और उनमें से एक भी जीवित वापस नहीं आया। उन्होंने शक्तासुर, तुनावर्त आदि का वध किया था। बाल्यकाल में जब उनको उनकी माता ने मिट्टी खाने पे डांटा, तब श्री कृष्ण ने उनको अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराए। बाल कृष्ण बड़े ही नटखट थे। वो गोपियों के घर से माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उनका नाम माखन चोर भी है। वो बचपन में गोपियों की मटकी फोड़ते थे, जिसकी फरियाद करने गोपियां यशोदा जी के पास जाया करती थी। एक बार उन्होंने तंग आकर अपने कान्हा को उखल से बांध दिया, इसलिए श्री कृष्ण दामोदर नाम से भी जाने जाते हैं। तभी उन्होंने नल कुबेर और मणिग्रीव को भी देवर्षि नारद के श्राप से मुक्ति दिलाई थी। वे अत्यंत मधुर बांसुरी बजाते थे। जब ये वृंदावन में गैया चुराने जाते थे, तब वो अपनी बांसुरी की धुन पर सारी गोपियां और सारे पशु पक्षी के मन को प्रफुल्लित करते थे। एक बार यमुना नदी में कालिया नाग ने आतंक मचाया था, तब श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हरा कर उसके सिर पे बांसुरी बजाते हुए नृत्य किया। श्री कृष्ण बरसाना की गोपी राधा से अत्यंत ही प्रेम करते थे। वे गोकुल में बांसुरी बजाकर राधा और अन्य गोपियों के संग रास खेलते थे। उधर कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए एक के बाद एक असुर भेजने लगा और श्री कृष्ण ने सभी असुरों का अंत कर सभी को मुक्ति दिलाई। अंत में श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम ने खुद मथुरा जाने का निर्णय लिया। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा जी से मिलने गए, क्योंकि वो उनका आखिरी मिलन था। उसी दिन श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़कर उसका त्याग किया था। मथुरा नगरी में जाकर श्री कृष्ण और बलराम ने पराक्रम दिखाकर दुष्ट कंस का वध कर दिया और मथुरा वासियों को कंस के आतंक से मुक्त किया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को भी कारागार से मुक्त किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण और बलराम शिक्षा हेतु उज्जैन के संदीपनी ऋषि के आश्रम गए। वहां उनकी भेंट सुदामा से हुई। समय के साथ वो दोनों पक्के मित्र बन गए। शिक्षा पूर्ण होते ही श्री कृष्ण और बलराम पुनः मथुरा गए। फिर श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को द्वारका नगरी बनाने का आदेश दिया। उसके बाद वे द्वारका के राजा यानी कि द्वारकाधीश कहलाए। किंतु रुक्मणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। इस बात का पता चलने पर श्री कृष्ण रुक्मणी का अपहरण कर उन्हें द्वारका ले आए। इस बात का बदला लेने के लिए शिशुपाल और रुक्मणी के भाई रुक्मी दोनों ने बलराम और श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। केवल बलराम जी ने ही उनकी आधी सेना को नष्ट कर दिया और शिशुपाल और रुक्मी को हरा दिया। फिर उनकी मुलाकात पांडु पुत्र अर्जुन और अन्य पांडवों से हुई। भीम को जरासंध का वध करने के लिए मार्गदर्शन दिया। जब इंद्रप्रस्थ के निर्माण के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, तब शिशुपाल भी वहां उपस्थित था, तो उसने 100 बार श्री कृष्ण का अपमान किया और उसकी मां ने श्री कृष्ण को दिए वादे के मुताबिक 100वीं भूल पर श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण धनुर्धारी अर्जुन के सारथी बने।
जब अर्जुन अपने धर्म के मार्ग से भटक गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और उनके मार्गदर्शन से पांडवों की जीत हुई। इस तरह अधर्म पे धर्म की जीत हुई। कौरवों की माता गांधारी अपने सभी पुत्रों की मृत्यु के कारण अत्यंत ही दुखी थी। श्री कृष्ण को देख वो क्रोधित हो उठी और श्री कृष्ण को श्राप दिया। मेरे पुत्रों का ये समस्त कौरव वंश का नाश आपके कारण हुआ है द्वारकाधीश, और जिस तरह मेरे सारे कौरव वंश का नाश हुआ है उसी तरह आपके भी समस्त यदु वंश का विनाश होगा। गांधारी के श्राप के प्रभाव के परिणाम स्वरूप समस्त द्वारिका नगरी में पाप बढ़ते गए। श्री कृष्ण का ही पुत्र सांप द्वारिका के विनाश का कारण बना। श्री कृष्ण द्वारिका में चल रही विनाश लीला देखकर बहुत ही व्यथित थे, इसलिए वो एक वन में जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब एक शिकारी ने श्री कृष्ण के पैरों को हिरण समझकर विष युक्त बाण से प्रहार किया उन पर। जब शिकारी को वास्तविकता का पता चला तो वो बहुत ही पछतावा करने लगा और श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे अभय दान देकर मुक्त किया। भगवान विष्णु की ये आठवां अवतार श्री कृष्ण, जिन्होंने न सिर्फ धर्म का मार्ग सिखाया बल्कि प्रेम, मित्रता, भक्ति, सही अर्थ में सत्य क्या है, जीवन जीने का वास्तविक मार्ग क्या है, ये सबसे हमें अवगत कराया। उनके द्वारा दिए गए गीता का उपदेश, जिसे हम श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं, उसमें हमारी सभी विडंबना के उत्तर हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के नौवे अवतार गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म ईसवी पूर्व 563 के बीच शाक्य गणराज की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में राजा शुद्धोदन के यहाँ हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था, किंतु उनका जन्म गौतम गोत्र में हुआ था, इसलिए उन्हें गौतम भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके जन्म के 7 दिन बाद रानी महामाया का निधन हो गया था और उनकी परवरिश उनकी मौसी और शुद्धोदन राजा की दूसरी पत्नी महाप्रजावती ने की थी। राजा शुद्धोदन ने एक बार सिद्धार्थ का भविष्य जानने के लिए अपनी राज्यसभा में 8 विद्वानों को आमंत्रित किया। संपूर्ण अभ्यास के बाद एक विद्वान बोले, ये बालक बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी बनकर पवित्र पद का निर्देशक बनेगा। राजा ने भविष्यवाणी सुनकर सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहा। सिद्धार्थ ने ऋषि विश्वामित्र के पास से वेद, उपनिषद और युद्ध विद्या आदि की शिक्षा प्राप्त की। फिर उनका विवाह यशोधरा नामक एक कन्या से हुआ और कुछ वर्ष के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। एक दिन सिद्धार्थ नगर की सैर करने निकले तो उन्हें एक बूढ़ा लाचार आदमी दिखा जो लाठी पकड़े कांपता हुआ जा रहा था। सिद्धार्थ का मन बहुत ही विचलित हो गया। फिर दूसरे दिन सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा जिसका देह पीला पड़ गया था और सांसें फूल रही थीं, और तीसरे दिन एक शमशान यात्रा देखी। ये सब देखते ही वो बहुत ही विचलित हो गए। क्या यही जीवन है? ये कैसी जवानी है? ये जीवन जो जीवन को सोख लेता है, ये कैसा स्वास्थ्य है जो देह को नष्ट कर देता है? फिर चौथे दिन उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो सांसारिक बंधनों से मुक्त थे और अति प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। सिद्धार्थ ने उनसे प्रभावित होकर 29 वर्ष के उम्र में सांसारिक मोहमाया को त्याग दिया और ज्ञान प्राप्ति और तपस्या हेतु वो निकल पड़े। उन्होंने आलार कलाम और उद्दक के पास से योग साधना सीखी, पर बाद में उन्हें वहां संतुष्टि ना मिल पाई। वो उरुवेला गए और वहां तपस्या करने लगे। फिर वहां से वो गया गए और वहां वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हेतु तपस्या करने लगे। तब उनकी आयु 35 वर्ष की थी। 7 दिन और 7 रात्रि के बाद वैशाखी पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब से वे बुद्ध कहलाए। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो वृक्ष बोधि वृक्ष और वो स्थान बोधि गया कहलाया। एक दिन 80 वर्ष की आयु में उन्होंने घोषित किया, मैं जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होऊंगा। फिर कुंडा नामक एक लोहार के भोजन की वजह से वो बीमार पड़ गए और उस लोहार को कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारा ये भोजन मेरे लिए अतुल्य है। इसके बाद उन्होंने देह त्याग दिया।
तो ये थे विष्णु जी के नौवे अवतार की कहानी। कल की अवतार। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भगवान विष्णु के दसवें अवतार कल्कि के बारे में। ये अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार होगा। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का कई पुराणों में वर्णन है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग में जब पृथ्वी लोक पर पाप हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, तब विष्णु जी अपना दसवां अवतार लेंगे और दुष्टों का नाश करेंगे और फिर वापस एक नए युग का प्रारंभ होगा। पौराणिक मान्यता अनुसार कलयुग के अंतिम चरण और सतयुग के संधि काल में होगा। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थल पर निवास करने वाले ब्राह्मण विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के घर पर एक पुत्र का जन्म होगा और उनका नाम कल्कि रखा जाएगा। भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार में देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होकर तीर कमान लिए सांसारिक पापियों का नाश करेंगे और अग्नि पुराण में चित्रित है। कल्कि पुराण के अनुसार वे सफेद घोड़े पर सवार होकर चमचमाती तलवार लिए पापियों का नाश करेंगे और पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। कुछ पुराणों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है और इसकी शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और मेष राशि 0 डिग्री पर थे। इसका मतलब अभी 3102 में 2022 मिलाते हैं तो 5,124 साल बीत चुके हैं, 876 साल शेष हैं। लेकिन अभी से ही भारत में कल्कि भगवान की पूजा होती है। भगवान कल्कि का नाम प्राचीन मंदिर उत्तर प्रदेश के संभल नामक स्थल पे स्थित है। उनका एक मंदिर राजस्थान के जयपुर में भी है। तो ये थी कहानी भगवान विष्णु के दसवें और आखिरी अवतार की। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।